गूगल हर महान हस्ती को अपने डूडल के जरिए उन्हें याद करता है और आज गूगल में डॉक्टर गोविंदप्पा वेंकट स्वामी को अपने डूडल के जरिए 100वें जन्मदिन पर बधाई दी है। बता दें कि गोविंदप्पा का जन्म 1 अक्टूबर 1918 में तमिलनाडु में हुआ था और उन्हें पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो चलिए आज बताते हैं आपको कि कौन थे डॉक्टर गोविंदप्पा। बता दें कि वो एक ऑप्थेमोलॉजिस्ट यानी कि नेत्र रोग विशेषज्ञ थे। उन्होंने अपने पूरे जीवन को नेत्रहीन लोगों के लिए समर्पित कर दिया था। मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो भारतीय सेना में मेडिकल कॉर्प्स के तौर पर करियर की शुरुआत कर चुके थे, लेकिन रूमेटॉइड अर्थराइड यानी गठिया की वजह से उनका सेना में ज्यादा टाइम तक करियर नहीं टिक पाया। इस बीमारी की वजह से वो एक साल तक उठ नहीं पाए और फिर 1951 में वो मेडिकल स्कूल लौट आए और नेत्र विज्ञान में डिग्री हासिल की। उन्होंने मोतियाबिंद के बारे में कई बातें जानी और उसकी सर्जरी के तरीके भी सीखे। बता दें कि इस दौरान वो एक दिन में 100 सर्जरी किया करते थे और उन्होंने अकेले ही लगभग 1,00,000 से ज्यादा आँखों की सर्जरी की है। बता दें कि डॉक्टर गोविंदप्पा प्रसिद्ध अरविंद आई अस्पताल के संस्थापक थे। इस अस्पताल की शुरुआत उन्होंने 11 बेड से की थी और आज ये हॉस्पिटल आंखों के इलाज के लिए खासा जाना जाता है। डॉक्टर गोविंदप्पा ने 7 जुलाई 2006 में 87 साल की उम्र में आखिरी सांसें ली। नेक्स्ट लाइन लाइफ से चांदनी की रिपोर्ट।